मैं आशु सिंह चौहान वेल्डिंग टेक्नीशियन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सवाई माधोपुर में वर्तमान कार्यरत हूँ। मैं आज आपको वेल्डिंग मेथड के बारे में समझाना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम वेल्डिंग का परिचय, वेल्डिंग क्या होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। जैसे दो समान या एशमान धातु, दो समान यानी एमएस, जिसे एमएस फ्लेट है, यानी एक एमएस एक दूसरी धातु भी हो सकती है और दो समान एमएस एमएस को भी जोड़ा जा सकता है, को एक उचित तापक्रम पर दबाव या प्रेशर या बिना दबाव के फिलर रोड यानी इलेक्ट्रोड रोड के द्वारा हम फिलर रोड का उपयोग करते हुए जोड़ा जा सकता है। फिलर रोड के पिघलने का तापक्रम यानी मेल्टिंग टेम्परेचर करीब करीब वही होता है जो जोड़ी जाने वाली धातु, जैसे एमएस को हम जोड़ रहे हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने की जो तापक्रम है, वही उसका फिलर रोड का होना चाहिए, धातुओं का होता है उससे कम होता है। जैसे ये एमएस है यानी माइल्ड स्टील, दो समान धातु होगी, इसके अतिरिक्त भी दूसरी धातु उसी के अनुसार उसकी फिलर रोड देके उसको जोड़ा जा सकता है। आजकल वेल्डिंग का उपयोग पूरी दुनिया में अत्यधिक होने लगा है, जैसे विमान निर्माण में जितने भी विमान हैं उनके जो कल पुर्जे हैं उनके निर्माण कार्य में इनका महत्वपूर्ण उपयोग है वेल्डिंग का। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, आज वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर उनके जो कल पुर्जे हैं उसके निर्माण क्षेत्र में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। रेलवे में मालगाड़ी के डिब्बे हो या यात्री डिब्बे हो या उनके कल पुर्जे हो, उनके निर्माण क्षेत्र में वेल्डिंग का अत्यधिक महत्व है। जहाज निर्माण है, पानी के जो जहाज हैं उनके जितने भी कल पुर्जे इत्यादि ज्यादातर बनाए जाते हैं वो वेल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पुल निर्माण में आज बड़े बड़े पुल बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर में जितना भी कार्य होता है वो वेल्डिंग के द्वारा होता है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर जितने दरवाजे खिड़कियां सारे में वेल्डिंग का कार्य होता है, फर्नीचर के अंदर वेल्डिंग का कार्य होता है, इसका अत्यधिक मात्रा में अधिक निर्माण होता है और इसका इसकी लागत बहुत कम आती है और ये एक स्थायी जोड़ होता है, कम लागत के अंदर वेल्डिंग का उपयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले वेल्डिंग की उपयोगिता के बारे में बताया था, अब हम वेल्डिंग प्रक्रिया के यानी वर्गीकरण के बारे में समझेंगे। इसका वर्गीकरण होता है निम्न तरीके से, गैस वेल्डर, आर्क वेल्डर, प्रतिरोध वेल्डर, ठोस अवस्था वेल्डर, ताप रासायनिक। अब गैस वेल्डिंग के वर्गीकरण इस प्रकार से है, वायु एसेटिलीन, ऑक्सी एसेटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन और दाब गैस। अब आर्क का भी वर्गीकरण इस प्रकार से है, कार्बन आर्क, परीक्षित धातु आर्क, फ्लक्स कोट आर्क, निगम आर्क, टंगस्टन इनर्ट आर्क, धातु इनर्ट गैस, प्लाज्मा इलेक्ट्रो गैस इत्यादि। आज हम वेल्डिंग संधियां यानी वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में समझेंगे। वेल्डिंग जॉइंट्स मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, बट जॉइंट्स, लैप जॉइंट्स, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड टी जॉइंट्स। अब हम सबसे पहले बट जॉइंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इस संधि में धातु प्लेटों को एक टक्कर मिलाकर एक ही तल में रखकर जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। ये मेटल प्लेट्स हैं, ये दो अलग अलग, और ये थिकनेस के ऊपर, मेटल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेटल की मोटाई कम है तो सीधा बट जॉइंट जोड़ा जाता है, सीधे इसको जोड़ा जाता है, और जैसे जैसे धातु की मोटाई बढ़ती जाती है उसके अनुसार उसकी एज प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें जैसे सिंगल वी बट, और इससे अधिक मोटाई हो
तो हम इसको डबल वी, ये धातु की मोटाई पर डिपेंड करता है, डबल वी यानी दोनों तरफ इसको वेल्ड किया जाता है, दोनों तरफ वेल्ड किया जाता है। इस प्रकार ये धातु की मोटाई पर डिपेंड करता है, यदि कम मोटाई है तो सीधा बट जॉइंट, उससे अधिक है तो सिंगल वी बट, यानी इसके किनारों को हम तिरछा करते हैं 45 डिग्री इसके किनारे करके, फिर उसके अंदर वेल्ड भरते हैं। यदि धातु की मोटाई और ज्यादा हो तो दोनों तरफ से किनारे इनके तिरछे करके दोनों तरफ वेल्डिंग भरी जाती है, और इस प्रकार से ये हमारे बट जॉइंट हुआ। लैप जॉइंट, लैप जॉइंट के अंदर क्या है, इस प्रकार की संधि में जुड़ने वाली धातु प्लेट एक दूसरे क्षेत्रीय पृष्ठ पर रखी जाती है। धातु की मोटाई यदि 3 mm तक है तो हम लैप जॉइंट बनाते हैं, इससे अधिक है तो फिर हम दूसरा जॉइंट बनाते हैं। एज जॉइंट, एज जॉइंट इस प्रकार के जोड़ में धातु के किनारों को मिलाकर उन्हें वेल्ड कर दिया जाता है। इसमें यदि मेटल की मोटाई कम है तो सीधे ही हम इसको प्री हीट करके हम करके कर सकते हैं, बिना फिलर मेटल के वेल्ड कर सकते हैं। यदि इसकी मोटाई ज्यादा है तो हम फिलर मेटल यानी वेल्डिंग के द्वारा ही किया जाता है। पहले हमने बट जॉइंट, लैप जॉइंट और एज जॉइंट के बारे में बताया, इसके बाद हम कॉर्नर जॉइंट और टी जॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस चित्र के अनुसार देख रहे हैं, इस संधि में प्लेटों को लंबवत रखकर उनके किनारों को वेल्ड कर दिया जाता है, यानी कि 90 डिग्री में रख करके। ये हल्के व भारी जॉब के लिए उपयुक्त होता है, इसको हम बिना फिलर रोड के भी वेल्ड कर सकते हैं। और ये दो प्रकार के कॉर्नर जॉइंट होते हैं, इनसाइड कॉर्नर जॉइंट तो इस प्रकार से है, और आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट वो इस प्रकार से होता है। इसके बाद टी जॉइंट, इस प्रकार की संधि में एक प्लेट के पृष्ठ पर दूसरी प्लेट के किनारे को 90 डिग्री पर रखकर वेल्ड कर दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। ये 3 mm तक उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इससे अधिक उपयोग में लेने से स्थानीय गर्मी पैदा करते हैं, इससे जॉब सही नहीं बन पाता।